हेलो गाइस, सो आज हम पढ़ेंगे क्लास नंबर 15। आज 14 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, और लास्ट क्लास में हमने गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग के बारे में पढ़ा था, जिसके टेनोर में ज़्यादा तो कुछ नहीं, एंग्लो सिख वॉर, प्रथम एंग्लो आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। सो आज हम पढ़ेंगे लॉर्ड डलहौजी, और क्लास नंबर 15 आज हमारी क्लास 15, ठीक है। सो आज हम पढ़ेंगे लॉर्ड डलहौजी। जिनका टेनोर था 1848 से 56, ठीक है। सो इसमें क्या हुआ था, इनको वैसे आधुनिक भारत का निर्माता भी कहते हैं, आधुनिक भारत का निर्माता, और इन्होंने कई भारतीय रियासतों को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया था, जिसमें से और इनकी एक थी युद्ध द्वारा, एक तो युद्ध पॉलिसी युद्ध द्वारा जो मिलाए थे रियासतें, और एक थी शांति द्वारा, शांति द्वारा विलय, युद्ध द्वारा जो मिलाई गई थी रियासतें, उनमें आती है पंजाब, जो कि सेकेंड एंग्लो पंजाब युद्ध हुआ था 1849 में, इसको अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था। फिर आया था सिक्किम 1850 में, और इसमें क्या रीज़न था, इसमें जो अंग्रेजी डॉक्टर जो मिसबिहेव किया गया था, ठीक है, इसमें इंग्लिश डॉक्टर के साथ, तो इसीलिए इसको भी मिला लिया गया था। पहला तो ये पंजाब, सेकंड सिक्किम, थर्ड है लोअर बर्मा, जो कि युद्ध द्वारा स्थापित हुई 1852 में। तो ये तो तीन रियासतें थी जो युद्ध द्वारा विलय की गई। अब शांति द्वारा विलय की गई, और उसमें था एक डलहौजी की गोद निषेध नीति, या हड़प नीति भी कहते हैं, जिसके द्वारा, मतलब शांति द्वारा, वो क्या बोलते हैं, रियासतें ली गई। इसमें थी जैसे सतारा हो गई, ठीक है, 1849 में, और फिर आ गई हमारी जैतपुर, संबलपुर, जो कि है 1849, ठीक है, 1849। फिर हम आता था बघाट, जो कि यूपी में 1851 छोड़ देंगे, और फिर आती है उदयपुर, जो एमपी में पड़ता है, वो राजस्थान वाला उदयपुर नहीं है दोस्तों, ये वाला उदयपुर यूपी, वो एमपी वाला है, 1853 में, झांसी वगैरह, फिर 1853 में, फिर 18 नागपुर आया 1854 में, और नागपुर, ठीक है, नागपुर, ठीक है, और 1850 करौली को 1855 में। बट क्या हुआ, जो इसमें एक नरसिंहपाल था, इसका जो राजा था, उसने एक अपने एक भरतपाल को गोद लिया था और उसको यहाँ का राजा बना दिया था 1852 में, लेकिन अंग्रेजों ने ये समझौता, वो डलहौजी ने माना नहीं, और ये हड़प लिया। लेकिन फिर क्या हुआ, ये यहाँ पे कोर्ट ऑफ, जो राजा थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के पास गए, तो उनकी सलाह पर इसका विलय रद्द कर दिया गया, और पहले जो बनाया था भरतपाल, उसकी जगह मदनपाल को बनाया, तो इसका विलय रद्द कर दिया गया था। अब ये मेन मेन चीज़ें हैं। अब हम देख लेते हैं जो शांति का विलय की नीति थी, उसमें क्या क्या चीज़ें बोली गई थी, शांति विलय, शांति द्वारा विलय, ठीक है, हड़प की, डलहौजी की हड़प नीति, या गोद नीति, गोद निषेध नीति, ठीक है। ये अब इसमें क्या किया गया, इसमें तीन चीज़ बोली गई। एक तो वो रियासत जो अंग्रेज़ों के आने पे स्वतंत्र थी, पहला तो वो था, तीन रियासतों को बांटा गया। दूसरी रियासतें कौन थी, वे रियासतें जो पहले मुगलों या मराठों के अधीन थी, लेकिन बाद में अंग्रेज़ों के अधीन हो गई, ठीक है, ये तो स्वतंत्र थी, मराठा या उसके अधीन थी, बाद में अंग्रेजों के, और ये तीसरी वाली है अंग्रेजों द्वारा स्थापित और या पुनर्निर्मित रियासतें जो अंग्रेजों द्वारा बनाई गई हैं। तो इसमें क्या बात बोली गई थी, जो पहली प्रकार की रियासत थी, ठीक है, इसमें गोद लेने का अधिकार था, इसमें तो था, ले सकती थी, लेकिन जो सेकेंड और थर्ड थी, ठीक है, इसमें
जो भी गोद लेते थे वो अंग्रेजों से पूछना पड़ता था। और दूसरी प्रकार की रियासतों को तो सम मतलब मिल भी जाए, शायद मिल भी जाए मतलब अनुमति, लेकिन जो थर्ड वाली है उनको तो बिल्कुल नहीं मिलती थी, और टोटली वो अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लेते थे। ठीक है, तो इस प्रकार इन्होंने काफ़ी चीज़ें मिलाई, जैसे कि सतारा को 1849 में, जयपुर संबलपुर को 1849 में, बगाड़ को 1850 में, उदयपुर को 1852 में, झांसी को 1853, नागपुर 1854। ठीक है, तो ये वाली चीज़ें करी गई। और फिर 1856 में क्या हुआ, 1856 में अवध को भी विलय कर लिया अंग्रेजी साम्राज्य में। कारण क्या था? कारण था वो कुशासन के आधार पर, वहाँ पे प्रशासन ढंग से नहीं चला पा रहा राजा, और इसलिए उन्होंने 1856 में अवध को भी इसमें मिला लिया। और जो इसके वालिद थे, वाजिद अली शाह, इनको क्या करा, कलकत्ता भेज दिया। और ये जो विलय था, इसकी एक क्वेश्चन हो जाता है किसकी रिपोर्ट पे किया गया था, ये था आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर, विलय किया गया था। ठीक है, और जो ये डलहौजी हमेशा ही अवध को अपने कंट्रोल मतलब उसमें विलय में चाहता था। 1851 में इसने बोला भी था डलहौजी ने, कि मतलब डेट चेरी विल बी ड्रॉप्ड इन आर माउथ, सो इसका ये कथन था इसके बारे में, अवध के बारे में 1851 में। अब इसने जैसे और भी चीज़ें करी थी, जैसे 1853 में क्या करा इन्होंने, जो बकाया धन के कारण और बरार को हैदराबाद से छीन लिया, हैदराबाद से। ठीक है, 1853 में फिर नानाजी पेशवा नाना साहिब की पेंशन भी रोक दी गई। ठीक है, पेंशन रोक दी 1853 में। कर्नाटक की नवाब है उसकी पेंशन रोक दी 1853 में, कर्नाटक के नवाब की भी जोड़ दी। 1859 में तंजौर का एक राजा था उसकी एक उपाधि समाप्त कर दी गई। ठीक है, उन्होंने और उन्होंने यहाँ तक कि उन्होंने ये भी करा कि मुगल सम्राट की उपाधि छीनने का भी प्रयास करा, और बहादुर शाह की मृत्यु के बाद उन्होंने लाल किला खाली करने के आदेश भी दे दिए थे इसके बाद, मतलब वो ये चीज़ें। ठीक है, वहाँ उसकी उपाधि के लेकिन वो करने पाया, वहाँ भेज दिया। फिर 1862 में तो बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो गई थी वहाँ पर बर्मा में। ठीक है, अब इसके सुधार भी इम्पोर्टेंट है, सुधार तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसके डलहौजी के सुधार। पहला क्या करा, 1852 में इसने टेलीग्राम सर्विसेज स्टार्ट करी, तार सेवा, और उसका चीफ था ओ सिंघसी। ठीक है, इसका चीफ बनाया था, टेलीग्राम सर्विसेज स्टार्ट की गई, टेलीग्राम सर्विसेज। दूसरी चीज़, 1853 में रेलवे सेवा प्रारंभ की गई, जो कि थी बॉम्बे टू थाने। ठीक है, और इसका क्वेश्चन भी पूछा जाता था, इसका जो इंजन था उसका नाम क्या था, उसका नाम था फेरी क्यून। 1854 में तीसरी चीज़ है। ठीक है, पहला क्या है, 1852 में टेलीग्राम सर्विस, 1853 रेलवे सर्विस, 1854 में पोस्टल सर्विसेज डाक सेवा। ठीक है, फोर्थ 1854 में फिर पीडब्ल्यूडी की स्थापना की गई। पांचवा, 1854 में इसने जो वो थी गंग कैनाल यूपी की, नॉट राजस्थान, उसका कंस्ट्रक्शन की थी। ठीक है, पांचवी चीज़ इसके कार्यकाल में। और 1854 में ही बहुत इंपॉर्टेंट है, चार्ल्स वुड के नेतृत्व में शिक्षा सुधार किए गए, जिसे वुड वुड का डिस्पैच भी कहा जाता है, वुड डिस्पैच। शिक्षा में सुधार, इससे सीधा मतलब है शिक्षा में सुधार इसका मतलब, और भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं इसको 1854 में। ठीक है, अब जो वुड डिस्पैच का इसका ऑब्जेक्टिव क्या थे, उद्देश्य क्या थे। ठीक है, पहला उद्देश्य यह था कि भारत में यूरोपियन शिक्षा का प्रसार प्रसार करना है। ठीक है, सेकंड, मैकाले के सिद्धांत जो कि ट्रिकल डाउन थ्योरी था उसको त्याग दिया गया। ठीक है, तीसरा, जो प्राथमिक शिक्षा थी अब स्थानीय भाषा में दी जाएगी। ठीक है, चौथा, जो माध्यमिक शिक्षा है वो अंग्रेजी और स्थानीय भाषा दोनों में दी जाएगी, प्राथमिक तो सीधी स्थानीय में, और माध्यमिक अंग्रेजी और दोनों में वाले स्थानीय में भी। और इसी प्रकार एक एंग्लो वर्नेकुलर
स्कूल जिला स्तर पर स्थानांतरित किए जाएंगे, ठीक है, इस प्रकार के, मतलब ताकि शिक्षा का प्रचार प्रसार हो सके। और उच्च जो हायर एजुकेशन है वो सिर्फ अंग्रेजी में दी जाएगी, इंग्लिश मीडियम हायर, ठीक है। अब जो लंदन में जो विश्वविद्यालय थे उन्हीं के आधार पर कलकत्ता कोलकाता मद्रास और बॉम्बे में विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी, 6-7, ठीक है। और शिक्षा विभाग के विभाग हर प्रांत में स्थापित किया जाएगा और एक कमिश्नर की नियुक्ति उस विभाग में की जाएगी और वह केवल भारत के गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी होगा, ठीक है। जैसे शिक्षा विभाग का जो भी एक उसमें एक नियुक्ति की जाएगी कमिश्नर की, वो सीधा डायरेक्टली रिपोर्ट करेगा गवर्नर जनरल को, ठीक है। अब और भी चीज़ें जैसे अध्यापक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे, तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा, और ऐसे काफ़ी चीज़ें, निजी जो प्राइवेट सेक्टर है उसको प्रोत्साहन दिया जाएगा, बढ़ावा दिया जाएगा, जिस और उसके लिए मतलब उनको वो भी दिया जाता है, अनुमोदन भी दिया जाता था, ठीक है। और इसीलिए इसको वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब डलहौजी के ये तो हो गए वो वाले सुधार, ठीक है। अब है सैन्य सुधार। सैन्य सुधार में क्या क्या आता है? पहला, जो सेना का हेडक्वार्टर है वो कोलकाता से शिमला स्थानांतरित किया जाएगा, ट्रांसफर कर दिया जाएगा कोलकाता से, ठीक है, हेडक्वार्टर सेना का। और तोपखाने का हेडक्वार्टर कोलकाता से मेरठ, ठीक है। ये तो सेना का हेडक्वार्टर है सेना का, और ये है तोपखाने का हेडक्वार्टर कोलकाता से मेरठ। तीसरा, यूरोपियंस जो वो है सैनिक उनकी संख्या में इजाफा किया जाएगा। चौथा, सिख और गोरखों की संख्या में भी उसमें भी इजाफा किया जाएगा ताकि विद्रोह ना हो सके, ठीक है। इसी प्रकार एक चीज़ आती है नॉन रेगुलेशन सिस्टम। तो इसमें क्या था, जो नए जीते गए क्षेत्र हैं उनमें कमिश्नरों की नियुक्ति जो सीधे भारत गवर्न नियुक्ति की जाएगी, और वो जो गवर्नर जनरल वो कमिश्नर होगा वो सीधे भारत वो गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी होगा। तो ये चीज़ें इसमें बोली गई। अब इसी के बाद 1850 इस जो इसी का टेन्योर था 1853 का चार्टर एक्ट आ गया इसके उसमें टेन्योर में, ठीक है। अब इसमें क्या क्या बातें की गई, इसमें पहला जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है, ठीक है, उसकी संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई, ठीक है। सेकंड चीज़ें, जो गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें एक जो विधि सदस्य था उसमें जोड़ा था 1833 के चार्टर एक्ट में, उसको परमानेंट कर दिया गया। तीसरा, गवर्नर जनरल के कारण वो कार्यकारी परिषद में कानून निर्माण की सहायता के लिए जो एडिशनल, अब इसमें जैसे 1+4 तो वो उसके थे ही, +6 एडिशनल मेंबर और जोड़े गए जो कि थे बंगाल से एक था, बॉम्बे से एक था, मद्रास से एक था, और उत्तर पश्चिम प्रांत से एक था, और एक सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस था और सुप्रीम कोर्ट का एक जस्टिस था। वो टोटल 6 सदस्य वाले थे, ठीक है, इस एडिशनल मेंबर थे वाले। अब चौथा, जो कंपनी के उच्च पदों पर है वो लिखित परीक्षा के आयोजन किया जाएगा उच्च पदों के लिए, मतलब रिटर्न एग्जाम की जाएगी, ठीक है। और एक प्रतियोगिता मतलब परीक्षा स्टार्ट की जाएगी, पी मतलब हमने फॉर्मूला बताया था ADP 1833 एकाधिकार खत्म, दास प्रथाक्रम 33 में 1813, और प्रतियोगिता स्टार्ट 153 में ADP, इससे याद हो जाएंगी चीज़ें। और पांचवा, कंपनी का जो शासन था भारत में अनिश्चितकाल के लिए बढ़ा दिया गया, ठीक है, पहले 20-20 साल के लिए बढ़ाते थे, 10-10 साल के लिए बढ़ाते थे, अब अनिश्चितकाल के लिए बढ़ा दिया कंपनी का शासन। फिर इस बात में इतनी ही थी। फिर अब नेक्स्ट आता है हमारा 1858 का भारत सरकार अधिनियम, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट, और इसमें जो बातें की गई जैसे कंपनी का जो शासन था वो टोटली ख़त्म कर दिया गया, इसमें तो विद्रोह हो गया था 1857 में, क्रांति हुई थी, वो बाद में पढ़ेंगे धीरे धीरे क्रांति के बारे में भी, लेकिन 1858 में कंपनी का शासन ख़त्म कर दिया गया। दूसरा, और जो शासन है वो सीधे क्राउन के हाथों में चला गया, ठीक है। और COD एंड BOD कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को भंग कर दिया गया और इसके स्थान पर भारत सचिव की नियुक्ति की गई, ठीक है। और इसकी सलाह के लिए 15 सदस्यों की एक भारत परिषद इंडियन काउंसिल बनाई गई जो कि लंदन में रहती थी और उसके ऑफिस का नाम था इंडिया हाउस, और उसके सभी खर्चे भारत सरकार देगी, ठीक है, इसका प्रावधान किया गया। तीसरा, जो गवर्नर जनरल था, जी, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, उसको वाइस रॉय बोलने लगे, वाइस रॉय मतलब क्राउन का प्रतिनिधि, ठीक है। और जो फर्स्ट, सभी को पता है फर्स्ट वाइस रॉय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। और प्रथम सचिव
प्रथम सचिव थे चार्ल्स वुड। ठीक है, तो इतना ही इसके बारे में था एटम। और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लॉर्ड कैनिंग के बारे में, भारत के 22 रॉय। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।